हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ उत्कर्षा और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ वेज मोमोज। वेज मोमोज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, कद्दूकस किया हुआ एक कप मैंने गाजर लिया है, दो कप मैदा और एक कप बारीक कटी हुई प्याज, आधे छोटे चम्मच बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन और नमक। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस, विनेगर यानी सरका और वेजिटेबल ऑयल। अब सबसे पहले हम इसमें मैदे को लेंगे, मैदे को गूंथ कर तैयार करेंगे, जिस तरीके से आप रोटी के लिए आटे को गूंथ कर तैयार करते हैं। अब हम इसमें थोड़े से नमक ऐड करेंगे। इसमें करीब दो छोटे चम्मच हम वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे, इसमें ऐड करेंगे और इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेंगे, ऐड करेंगे पानी को, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं लेना है। इसे हमें ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, इसे मीडियम ही रखना है। इसे अच्छे तरीके से गूंथ कर तैयार करना है। ये अच्छे तरीके से हमारे आटे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मेरे हाथ में भी आटे नहीं है, यानी ये अच्छे तरीके से रेडी हैं। अब हम तब तक इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और हम अपने स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए कढ़ाई में मैंने करीब दो छोटे चम्मच तेल लिया है और अब हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक ऐड कर देंगे। और इसे करीब हम 5 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे करीब हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें गाजर और हमारे पत्ता गोभी इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे भी करीब हम 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सोया सॉस भी डाल दिया। और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिए, लेकिन आप इसमें सोया सॉस को मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होते हैं और आटा भी जो मैंने गूंथ कर तैयार किया है उसमें भी मैंने नमक ऐड किया है, तो इन दो बातों को ध्यान में रख कर ही इसमें नमक ऐड करें। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब आटे को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हम, और मिलाने के बाद इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस साइज के बॉल्स हम बनाएंगे।
बॉल्स मैंने कुछ बॉल्स को रेडी करके रखा है। और अब मैं बताती हूँ कि अब इसे कैसे बेलना है। मैदे से हम इसे डस्ट करेंगे और जैसे कि आप पूरी बनाते हो उसी तरीके से इसे बेलेंगे। इसे मोटे नहीं बेलना, पतला ही बेलना है हमें। इस तरीके से मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। और मैं बताती हूँ अब हमें कैसे स्टफिंग उसमें डालने हैं और इसे कैसे फोल्ड करना है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि इसे मोटे नहीं बेलना है। इसमें करीब हम 1 से 1.5 चम्मच मिक्सचर को लेंगे और इसे सेंटर में ही डालेंगे। और अब किनारे किनारे से हम इसे साइड से पानी से लगा देंगे, पानी इस तरीके से। और अब देखिए मैं ऐसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से आगे से उठाकर उसे पीछे साइड से ऐसे ले जाने हैं और इस तरीके से उसे फोल्ड करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ये ऐसे उठाया, पीछे की ओर फोल्ड किया, इस तरीके से वो चिपक जाते हैं। और फिर ऐसे उठाया, इस तरीके से इसे पीछे किया, फिर आगे से ऐसे उठाया और इसे पीछे की तरफ फोल्ड किया। ये ज़्यादा टफ नहीं है फोल्ड करना, आप करोगे तो आपसे हो ही जाएंगे, आप समझ में आ जाएंगे। आपको एक बार ट्राई करके देखो, ये ज़्यादा टफ नहीं है। और इन सभी को एक बार इस तरीके से रोटेट कर देंगे ऊपर ताकि ये अच्छे से सील्ड हो जाए और मिक्सचर बाहर ना निकले। मैं एक और फोल्ड करके आपको बता रही हूँ कैसे करनी है। हम इसमें मिक्सचर को ऐड करेंगे सेंटर में करीब 1 से 1.5 चम्मच। साइड से पानी लगा लेंगे हम इसमें। एक बार आप फिर ध्यान से देख लें इसे कैसे फोल्ड करनी है। इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए बैक साइड पे ले जानी है। इस तरीके से और लास्ट में इन सभी को इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे, इस तरीके से रोटेट कर देंगे ताकि इसके मुंह जो है वो अच्छे से सील्ड हो जाए और मिक्सचर बाहर ना निकले। इस तरीके से अब हम सभी मोमोज को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और अब स्टीम होने के लिए, इन सभी को स्टीम होने के लिए मैं स्टीम वाले प्लेट लूँगी और इसे एक बार ग्रीस कर लूँगी। इसे एक बार तेल से ग्रीस कर लें ताकि इस प्लेट से जो मोमोज आसानी से बाहर आ सके। इसे एक डिस्टेंस के हिसाब से ही आपको रखना है, ये ध्यान में रखना है कि ये टच ना हो, तो एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही रखें, इसे डिस्टेंस मेंटेन करें इसमें। और अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही पानी को गर्म करके रखा है। इस प्लेट को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। ये इसे हमें करीब 10 मिनट तक इसे ढककर इस तरीके से स्टीम करना है। ये मोमोज़ हमारे रेडी हो गए हैं। मोमोज़ की चटनी भी मेरे रेसिपी मोमोज़ की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। ये मोमोज़
काफ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।